हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे तो हर कोई अपने घर में बनाता है, लेकिन आज के जो आलू के पराठे हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट है। क्योंकि मेरे बच्चों को आलू के पराठे पसंद है, लेकिन उनको आलू के पराठे में थोड़ा थोड़ा सा कुछ नया मिलता है। तो आज मैं उसी तरह से उनकी पसंद के आलू के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं मेरे बच्चों के फेवरेट आलू के लच्छा पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पराठे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए, लच्छा पराठे बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल करके रख दिया है। आलू को हमें बहुत ही जल्दी बॉईल करके रखना है, ताकि आलू अच्छे से ठंडे भी हो जाए और अच्छे से मैश हो जाए। मैंने आलू के साथ हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट बना ली है और उस पर नमक डाल दिया है। आटे को भी मैंने आधे पौने घंटे पहले ही भून के रख दिया है। आटा मोइन वाला होना जरूरी है और बहुत ही सॉफ्ट होना जरूरी है, तभी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और साथ ही साथ मैंने तड़का पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जैसे ही गरम होता है, उसमें जीरा और हींग डाल दी है। और जीरा और हींग की जैसे ही खुशबू आने लगे, हमने जो पेस्ट बना के रखी थी लहसुन और हरी मिर्च की, उसके ऊपर ही ये गरम गरम तेल डालना है। इससे है ना, एक स्मोकी सा फ्लेवर पराठे के अंदर आएगा और यही फ्लेवर बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। इसी तरह से पराठे बनाइएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके पराठे बहुत ही टेस्टी वाले बनेंगे। आप इसमें और भी मसाले कर सकते हो, लेकिन मैं बच्चों के लिए अभी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के सारे मसाले, वेजीज, जो भी डालना चाहते हो वो डाल दीजिए। और मैंने तेल, जो तड़का वाला तेल डाला था, वो डाल के आटे को, सॉरी, जो स्टफिंग था उसे अच्छे से मिला दिया है और उसकी लोइयां बना के रख दी है। यहाँ पर मैंने आटे की भी लोइयां बना के तैयार कर दी है। तो अभी हम पराठा बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रोटी बेल लेनी है, छोटी छोटी सी ही रोटियां बनानी है। आप चाहे तो बड़ी छोटी जैसा पराठा बनाना चाहते हो उस हिसाब से बनाइए, लेकिन लोई छोटी रहेगी तो पराठा मीडियम ही बनेगा, वरना बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए मैंने एक रोटी बेल दी, उसके ऊपर तेल लगाया और थोड़ा सा सूखा वाला आटा छिड़क दिया। बस उसी तरह से मैंने दूसरी रोटी ले ली है, वो भी रोटी को मैंने अच्छे लोई ले ली है, उसे भी मैंने बेल दिया है, थोड़ा सा तेल लगाया और सूखा वाला आटा छिड़क दिया। फिर से हमें तीसरी लोई लेनी है और उसे भी हमें रोटी के जैसे बेल देना है। और ये तीनों रोटियां एक ही समान होनी बहुत ही जरूरी है। तो तीनों रोटी हमारी बन करके अभी तैयार है। तो हमें सबसे पहली रोटी लेनी है और उसके ऊपर जो हमने तेल और आटा छिड़का था, उसे अच्छे से पूरी रोटी पे स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है और उसके ऊपर भी जो हमने तेल और आटा लगाया था, उसे भी स्प्रेड कर देना है। अभी जो तीसरी रोटी हमने बेली थी, वो भी रोटी इसके ऊपर हमें रख देनी है। और जैसे फ्रेंड्स, आपको पता है ना, हम स्कूल में फैन बनाते थे, बस उसी तरह से हमें फैन बना देना है रोटियों का। और अभी इसके हमें चाकू से दो पार्ट कर लेने हैं। और जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, उसी तरह से आपको वो दो पार्ट करने के बाद आटे की लोई रेडी करनी है। तो देखिए, हमारे लोई में लेयर बन चुके हैं। देखिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको फिर से उसकी लोई बना के रेडी करनी है। तो ये जो लेयर बने हैं ना फ्रेंड्स, वो ही पराठे को बहुत ही क्रिस्पी बनाते हैं। और मेरे बच्चे देखिए बार बार किचन में आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके फेवरेट आलू के लच्छा पराठे मैं बना रही हूँ। क्योंकि खुशबू ही इतनी टेस्टी है ना, कि बच्चों को अपने आप से ही खींच खींच के लाती है। तो देखिए, अभी जो मैंने लोई अभी बनाई, उसका मैंने एक छोटी सी रोटी बेल दी है और उसमें जो हमने आलू का स्टफिंग बनाया था, वो स्टफिंग रखा है। और ऊपर से हमें मोदक की जैसा शेप दे देना है। तो जो आटा एक्स्ट्रा था, उसे मैंने निकाल दिया है और मैं यहाँ पर तवा गरम करने के लिए रख देती हूँ। और जो हमने अभी लोई बनाई स्टफिंग वाली, उसे हमें बेल देना है। और ये पराठा, अगर आपने आटा एकदम सॉफ्ट बुना रहेगा, तो ये पराठा बिल्कुल भी बेलने के वक्त टूटता नहीं है। और देखिए, मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही आसानी से आप इसे हैंडल कर पाओगे और बेल पाओगे, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। देखिए मैं कितना बड़ा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अलग अलग तरीके से जब हम पराठे खिलाते हैं, तो पराठे बनाने की भी तरीके अलग
अलग अलग रहते हैं। तो बस मैंने एक बड़ा वाला पराठा बना के रेडी कर दिया है, तवा गर्म हो चुका है तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया है और हमने पराठे को सेकने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है, आप चाहे तो घी में और बटर में भी सेक सकते हो। मेरे बच्चे घी वाले पराठे एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि घी जब भी ठंडा होता है तो एक लेयर सी बन जाती है, तो बच्चे उसे नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें तेल में सेक के देती हूँ। कई कई बार उन्हें खिला देती हूँ जैसे उनका जैसा मूड रहेगा उस हिसाब से, लेकिन आज मैं पराठा तेल में सेक रही हूँ। तो बस उसी तरह से हमने जो दूसरी लोई बनाई थी उसका भी मैं उसी तरह से पराठा रेडी कर देती हूँ और एक पराठा हमने तवे में सेकने के लिए रख दिया है। और ये पराठा बहुत ही धीमी आँच पे हमें सेकना है क्योंकि इस तरह से अब अगर आप पराठा बनाओगे और सेकोगे तो ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और ये पराठे के ऊपर है ना एक क्रिस्पी सा जो लेयर बनता है ना, वो लेयर ही बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। आलू के पराठे तो हर कोई अपने घर में बनाता है, लेकिन ये लेयर इस तरीके का जब भी आप बनाओगे ना तो बच्चे बहुत ही प्यार से इसे एंजॉय करेंगे। तो बस देखिए मैंने पराठे को दोनों तरफ से पलट पलट के तेल लगा के धीमी आँच पे अच्छे से हमें गोल्डन कलर का सेक लेना है। और इसे ये पराठा बनाते वक्त आपको भी बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे ये पराठे बनते हैं, लेकिन बच्चे इसे बहुत ही प्यार से और फटाफट खा जाते हैं, उतने टेस्टी वाले पराठे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही यम्मी वाले पराठे हैं। यकीन मानिए मुझे भी ये पराठे पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ थोड़े मसाले मैं जब भी मेरे लिए बनाती हूँ तो ज़्यादा डाल देती हूँ, बच्चों के लिए अभी मैंने मसाले बहुत ही कम डाले हैं। तो बस देखिए हमारे एक पराठा सेक के रेडी है, दूसरा पराठा सेक रहा है और उसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया था मैं तीन रोटियाँ बना के लोई बनानी है, तो मैं फिर से लोई बना के रख देती हूँ क्योंकि और ये पराठे ना बहुत ही फटाफट से बन भी जाते हैं और बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने बच्चों के लिए किस तरीके से रेसिपी बनाते हो मुझे भी बताना कमेंट करके। उसी मेरे बच्चों की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा पूरा वीडियो देखिएगा और आप और कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए मैं दूसरा पराठा भी उसी तरह से तेल लगा के धीमी आँच पे दोनों तरफ से गोल्डन कलर का सेक लेती हूँ। और ये पराठा आप चाय के साथ, सॉस के साथ, सेजवान चटनी के साथ या ऐसे भी एंजॉय करोगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और बटर डाल के अगर आप खाना चाहते हो तो उसी तरह से भी इसे खा सकते हो। तो देखिए हमारे पराठे बन के तैयार है, मैंने बच्चों को सॉस के साथ दिया था। अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।